बार बार यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उस साइड में जो बेटा वहाँ से ले जाओ, डॉक्टर साहब के ऊपर साइड में धन्यवाद। तो मैं कुसुम बागड़ी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही अच्छा गीत आपके सामने पेश किया इन्होंने। और अभी जोत प्रज्वलित करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनीता देवी जी। मैं सुनीता देवी जी से आग्रह करूंगा कृपया जोत प्रज्वलित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं, इन्होंने जोत को प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो मैं बार बार इनका धन्यवाद करता हूं। और उससे पहले सुनीता देवी जी ने मां सरस्वती को जोत प्रज्वलित करते हुए और हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को सम्मानित किया, तो मैं बार बार इनको धन्यवाद करता हूं, इनको नमन करता हूं। जय भीम जय भारत। मैंने सभी साथियों के समक्ष छोटे बच्चे राम राम भाई सारे भाई अनुमा आपका भाई सुंदर दोनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों आज 8 मार्च है और महिला दिवस है, तो सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुशीला जी का जो इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है, डॉक्टरा की टीम बुलाई है और इस इतनी सारी जो महिलाएँ हैं देखो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनका है इलाज कराया जाएगा। और आज जो हरियाणा पुलिस में सुनीता जी हैं यहाँ पे आए हैं अपना जो कीमती समय दिया है उनके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और कुछ बात करेंगे मैम से। मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। ठीक हो जी? हाँ जी। स्वास्थ्य कैसे आपका? बस ठीक है। ठीक है जी। हाँ और जी आपको देख करो और भी अच्छा है। धन्यवाद। तो आज महिला दिवस है, क्या कुछ करना चाहोगे? महिला दिवस पर देखो इसने बहनी इसे अपनी सुशीला बहन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, ये समाज से जुड़ी हुई है, ये सभी महिलाओं की समस्या सुनती है, सभी महिलाओं की हर प्रॉब्लम होती है उसको उसने सोल्व करने की कोशिश करती है, हमसे भी बात करके या और किसी भी से भी ये इतनी समाज सेवा करती है बहुत ज़्यादा, इसका मैं तह तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखो मतलब सने हमें महिलाओं के सने इतना जागरूक करती है ये भी, और हम भी करते हैं भाई महिलाओं को बचाओ, महिलाओं की ये सुविधा दो, महिलाओं को ये देखो हमारी सने ये जन जननी माता हैं, महिला बिना हमारा जीवन नहीं है, और हम अपनी बेटियों को बचाएंगे तो पढ़ाएंगे, और इस बिना सने संसार नहीं है, संसार खत्म हो जाएगा अगर महिला नहीं होंगी, तो महिलाएँ तो हमारे साथ संसार को चला रही हैं,
देखो किसी का मतलब सुने वो एक बेटी के रूप में भी हैं और एक पत्नी के रूप में भी हैं और एक मम्मा का रूप भी है, उसके अनेक रूप हैं मतलब है औरत के। औरत इतनी एक कोमल चीज़ है बहुत ही ज़्यादा, औरत बिना हमारा जीवन नहीं है किसी का भी। ये सोचना चाहिए हम सभी बहनों भाइयों ने कि हम देखो अपनी माता बहनों की रक्षा करनी चाहिए, इनको इज्जत देना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए। हैं ये हमारी स्नेह ऐसी नहीं है कि इनका दिल इतना कोमल है कि अगर हम इन्हें प्यार से बोल करके कुछ भी काम करवा सकते हैं। वो ये स्नेह महिलाएं करने के लिए तैयार हैं बेचारी, हैं ये इतना दर्द सहन करती हैं। एक पत्नी बन करके पति के जाती है, वहाँ जो कोई भी कुछ भी दर्द होता है वो सारा सहन करती है, फिर भी उसका घर चलाने की कोशिश करती है। हमारी महिलाओं को देखो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि महिलाओं को इतना सम्मान दो आप कि आपका स्नेह अपने ये संसार बहुत सुखी हो जाएगा महिलाओं। दोस्तों बात करना चाहूँगा मैं सुनीता जी की कि आए दिन हम प्रोग्राम देखते रहवा भाई, कदे कोई प्रोग्राम हो कोई भी सामाजिक काम हो बढ़ चढ़ के भाग ले हैं, तो मैम ऐसे प्रोग्राम में जाके खुशी मिलती है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है महिलाओं को देख करके और अपना समाज को देख करके, भाई बहन बैठे हैं सभी से मतलब स्नेह एक बातचीत करके हमें एक स्नेह समाज से जुड़ते हैं थोड़े बहुत, समाज से जुड़ने से हमें मतलब इतनी खुशी होती है कि हमारा समाज देखो इसकी हम इससे बात कर सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, किसको क्या समस्या है। ये भी आज स्नेह मैडम जी ने मतलब शिविर लगवाया है, देखो इनका स्नेह जो किसी का प्रॉब्लम होगी उसका स्नेह चेकअप होगा और चेकअप हो उसकी स्नेह समस्या का पता चलेगा। ऐसी ऐसी औरतें हैं बेचारी, वो स्नेह घर से नहीं निकल पाती, और ऐसे आदमी भी हैं बेचारे जो उनका कुछ दर्द होता है वो मतलब स्नेह गरीबी के कारण मतलब वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, तो शिविर के माध्यम से उनका जो भी दर्द होगा उसको स्नेह मतलब जो भी पीड़ा होगी उसकी स्नेह दवाई मिलेगी, उसका स्नेह चेकअप होगा। तो देखो इसने बहुत अच्छा काम किया है सुशीला जी ने, और ये मतलब इतनी समाज सेवा कर रही है, बहुत ही ज़्यादा समाज सेवा करती है, इसका स्नेह तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मैम हम बात कर लें हरियाणा पुलिस की, या ड्रेस पहन दिए मतलब डर बढ़ जा है कि बेराने किसी एक होंगे आंधी डरन लग जा, तो आप बताओ इस ड्रेस के भीतर मतलब कितना कोमलता दिलो है? देखो इसके अंदर स्नेह हर चीज़ है, इसके अंदर एक शक्ति भी है, बहुत ज़्यादा शक्ति है जिससे कि मतलब स्नेह एक कोई भी नहीं सोच भाई मैं भाग जाऊँगा, कोई अपराधी है वो भाई छुटा कर भाग जाऊँगा, नहीं नहीं उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मतलब स्नेह उसके मतलब वो किसी भी अपराधी से नहीं डरती, हर उसमें ताकत आ जाती है, उसमें स्नेह कोमलता ही भरी हुई होती है जी, किसी को मतलब अन मतलब स्नेह किसी की पीड़ा को भी समझती है, हर समस्या को समझती है ये भाई, जो अपराधी है उसको स्नेह सजा दिलाने की कोशिश करती है और जो निर्दोष है उसको बचाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों जो बता दिया जो 8 मार्च है यो नुए को नहीं मनाया जाता भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बड़े 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 आंदोलन करने पड़े हैं, विदेशा में इसके आंदोलन चले हैं, जिप जाके जो ये 8 मार्च है महिला दिवस है जो आप देख रहे हो ड्रेस में बैठी हैं मैडम, तो ये भी उन्हीं के कारण बैठी हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है जी हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य कैसा? बिल्कुल बढ़िया जी। तो महिला दिवस के ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? महिला दिवस पर यही कहना चाहूँगी, इतना बड़ी आयोजन कराया है बहन जी ने, और इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि महिलाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे परिवार में एक पत्नी की भी बहन की भी बेटी की भी माँ की भी दादी की हर प्रकार की भूमिका निभाती हैं, और समाज में एक सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में भी उदयमान है, और किसी भी क्षेत्र में जाओ आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, बहुत खुशी की बात है, ये सरकार की भी और समाज की भी चेतना की वजह से है। जो पहले बहन जी बता रही जैसे कुरीतियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, अब वे कम हो गई हैं, और हम पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि इनको पूरा मान सम्मान दें, इनकी सुरक्षा की और हर तरह की इनकी सुविधाओं का हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो राहुल भाई बात कर लिया हमें जैसे महिलाओं के ऊपर बच्चों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न मतलब अंधेरा है, जुल्म अंधेरा है, आप कहीं तो जामा हाँ फोन में बोल दिया या फिर अपने वीडियो में बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, आए दिन मतलब इस तरह तक कुर्ती होती रहे जी, क्या कहना चाहोगे? आए दिन तो देखो बता रहा हूँ, समाज में पहले शिक्षा की कमी थी, अब ऐसी बात नहीं है, और
पहले पुरुष प्रधान समाज बोला जाता था, आज आपको ये कहीं भी सुनने में नहीं मिलेगा, आज नारी प्रधान ही समाज कहते हैं। और ये पहले जागरूकता की मुद्दे, अब जागरूकता बढ़ी है और हमें भी सोचना चाहिए, पुरुषों को ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम इनको मान सम्मान दें, और उत्पीड़ना के खिलाफ घर हो, परिवार हो, समाज हो, उसमें हम चुप ना बैठें, उसका खुल के विरोध करें और जो भी संभव कार्य हो करें। आज जो प्रोग्राम महिला दिवस का है, ये सुशीला देवी जी ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इन्हें निस्वार्थ भावना से फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेंटल डॉक्टर साहब बुलाए हैं और इतनी ये जनता बुलाई है, बहुत मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और महिला दिवस पर जो आज कार्यक्रम है, ये नारी समाज का एक उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और पहले महिलाओं को गर्भ में ही मार देते थे बेटी को, भाई लड़की होगी, तो आज ये सबसे ऊपर बढ़ चढ़ के भाग लेती है हर प्रोग्राम में और हर पोस्ट पे, नौकरी पैसे में भी हवाई जहाज तक चलाती हैं। और बस इतना ही, और क्या है। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो? बढ़िया है। तो एक बार अपने दर्शक अपना पूरा नाम और कहाँ से हो बताओ। मैं कैप्टन चरण सिंह मलिक, अंतर्राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? इसकी शुरुआत 1908 अमेरिका में महिलाओं ने, 15,000 से 20,000 महिलाओं ने इकट्ठा होकर शुरुआत की थी। उन्होंने मांग रखी थी हमारे को बराबर का हक मिले, कम समय की नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह मिले। और ये महिला दिवस पहली बार 19 मार्च 1911 में मनाया गया, बाद में इसको बदलकर 8 मार्च और 1913 में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर के ऊपर इसको रखा गया, और तब से ये 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महिला शक्ति के बारे में बाकी सभी साथियों ने भी बोला है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, महिला शक्ति वो शक्ति है, नौ दुर्गा जैसी शक्ति आज भी है, अगर कोई उनकी अंतरात्मा को समझे, उनको जाने पहचाने, क्यों महिला हर रूप में हमारे साथ है। और कोई भी पूजा महिला के बगैर पूरी नहीं हो सकती। कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, महिला के बगैर वो अधूरा ही है। इसी प्रकार मनुष्य की जिंदगी भी महिला के बगैर अधूरी है। तो जो आज मैडम सुशीला जी ने जो महिला हेल्पिंग सोसाइटी को चलाती हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, महिलाओं के बारे में सोचा, आज के दिन की महत्वता को समझते हुए, और जो डेंटल मेडिकल जो चेकअप का उन्होंने कैंप लगाया है, उसके लिए भी सुशीला जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सभी दर्शकों का जो यहां पर आ रहे हैं, जिन्होंने यहां हिस्सा लिया है, जो भी मेहमान यहां पहुंचे हैं, जो भी महिलाएं साथी युवा यहां पहुंचे हैं, मैं उनका और आपके माध्यम से आपके चैनल का बार बार धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो सर? बिल्कुल। स्वास्थ्य कैसा आपका? ठीक है। ठीक है जी। तो आज महिला दिवस है जी, आज आप यहाँ पे आए हो, तो क्या कुछ करना चाहोगे? महिला दिवस के ऊपर मेरी सभी भिवानी वासियों को शुभकामनाएं। हमें तो पता लगा था कि भाई यहाँ महिला दिवस पर प्रोग्राम कर रखा है, हम अंबेडकर भवन जितवाड़ा जोड़ उसकी पूरी संस्था इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। थैंक यू सर। बताइए, आज इस महिला दिवस के ऊपर ये जो कार्यक्रम सुशीला देवी जी ने जो कर रखा है, ये बहुत ही बढ़िया, और महिलाओं को जागृत करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, और ये समय समय पर अपना समाज को योगदान देती रहती हैं। आज हम सभी डॉक्टर अंबेडकर युवा संघर्ष समिति जितवाड़ा जोड़ से जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, इनके सहयोग में कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, और
ये जब भी सामाजिक कोई कार्य होगा और ये हमें कॉल देंगे तो हम इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। और आज के कार्यक्रम के बारे में जो निःशुल्क दांतों की जांच डॉक्टर दर्शन द्वारा जो की जा रही है, जो समाज को एक फ्री ऑफ कॉस्ट दांतों की जांच करने का काम कर रहे हैं, अपना पूरा हॉस्पिटल का कार्यभार छोड़ के और यहाँ इस समाज में और इन सभी महिलाओं और साथियों और युवा बुज़ुर्गों का सभी का वो जांच दांत की जांच के लिए आए हैं। मैं दर्शन जी का और उनके साथ महिला डॉक्टर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बड़ी मुझे खुशी हुई महिला दिवस के उपलक्ष में सुशीला जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, धन्यवाद। उनके अधिकारों के प्रति उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि देश की हर महिला को जितना वो अपना योगदान दे सकती हैं देश के विकास में देना चाहिए। में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए सावित्रीबाई फुले का अहम योगदान है, लेकिन आज महिलाएं सावित्रीबाई फुले को भूल करके सरस्वती को और दुर्गा को पूजती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिनके बलबूते पे ही देश की हर महिला को शिक्षा का अधिकार मिला। उन्होंने देश की महिला को के लिए सबसे पहला स्कूल बनवाया, उनके कारण ही देश की हर महिला आज पढ़ लिख कर देश के हर फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं। अगर शिक्षा है महिला के लिए, अगर कहीं भी शिक्षा है, उनके लिए स्कूल है, तो उन्हें सावित्रीबाई फुले का योगदान बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला दिवस है जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं बताता हूँ कि इंडिया की जो लेडीज़ हैं वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, ठीक है, वो घर के चूल्हे चक्कर में ही लगी रहती हैं, ठीक है, तो उनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। आखिर क्या कारण है महिलाएं अपनी सेहत को अवॉइड क्यों करती हैं जी? बस घर के कामों में लगी रहती हैं, अवेयरनेस कम है उनको अपनी हेल्थ के बारे में। तो पुरुषों को चाहिए कि महिलाएं की जो सेहत की तरफ ध्यान से जरूर ध्यान दें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो लोअर तबके के जो लोग हैं वो तो फिर भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो उनके साथ एक साथ मिलके काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, लेकिन जो अपर तबके के लोग हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो मोबाइल पे इनमें लगे रहते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे, लेकिन वो हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस और ओबेसिटी, आपने देखा होगा कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कितनी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लेडीज में। धन्यवाद। आपके सामने आईबीओ संस्था के प्रदेश अध्यक्ष शरण सिंह जी मलिक जी ने महिला विंग की जिला अध्यक्ष सुशीला जी को आईडेंटिटी कार्ड और कैप पहना करके सम्मानित किया। मैं शरण सिंह जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं। और हमारे एक साथी जो अभी मंच पर विराजमान हुए हैं हरगोविंद जी सिंह साहब, तो शरण सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि सिंह साहब जी को माला पहना करके सम्मानित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद शरण सिंह जी का, जो कि इन्होंने सिंह साहब को सम्मानित किया। धन्यवाद। प्रभु बख्शो उन बेटों को, नरम गिरी बेटी में है, प्रभु बख्शो उन बेटों को, नरम गिरी बेटी में है, माँ दुखी या बाप दुखी वो पहले रो देती है, इसे बढ़कर है जननी और जन्म भूमि, स्वर्ग से बढ़कर है, ना मारो ना मारो बेटी, ना मारो ना मारो बेटी, पाप भयंकर है जननी और जन्म भूमि, स्वर्ग से बढ़कर है,
जनी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। धन्यवाद।